फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, कुछ एक्टिविटीज भी हमने की है और आपको अभी कॉलम की प्रैक्टिस करनी है। टाइप फर्स्ट की, टाइप सेकंड की आपने प्रैक्टिस की है। कॉलम प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों होती है और यह कॉलम प्रैक्टिस हमने आपको द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक सेट टू में 91 पेज के ऊपर दी है। तो आप प्रैक्टिस करते हो कौन सा टेक्निक यूज करोगे। यह प्रैक्टिस आपको आसान लगती होगी, फिर भी आपको यह प्रैक्टिसेस करने ही है क्योंकि यह आपकी एक बेसिक प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे, इसीलिए आपको द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक यह आपको साथ में रखना है। तो अगर मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा और मैं कितनी प्रैक्टिस करूंगा, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। आपको बोर नहीं होना है, आपको यह प्रैक्टिस आसान लगेगी, लेकिन यह आपका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको बोर नहीं होना है और विदाउट प्रैक्टिसिंग आपको आगे नहीं जाना है। तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स दिए हैं और हर एक कॉलम में मैंने आपको उसका हिंदी में मीनिंग दिया है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग का मतलब रह रहा, गेटिंग अप का मतलब उठ रहा, गोइंग का मतलब जा रहा, कमिंग का मतलब आ रहा। और हमें प्रैक्टिस कौन से टाइप की करनी है, वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कैसे करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, एम आई, आर यू, आर दे, इज ही, बस इतने सब्जेक्ट्स मैंने लिए है फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, मैं ऐसी प्रैक्टिस कर सकता हूं, एम आई लिविंग, क्या मैं रह रहा हूं। लेकिन यह प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या सोचना है, क्या कंसिडर करना है, वर्तमान काल के किसी क्षण में अगर कोई क्रिया चालू है या अपूर्ण है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, एम आई लिविंग, एम आई गेटिंग अप, एम आई ब्रशिंग, एम आई बेथिंग, एम आई ड्रिंकिंग, एम आई रीडिंग, ऐसी प्रैक्टिस तो आप कर सकते हो, चल सकता है। लेकिन एक अच्छा टेक्निक मैं आपको देता हूं, अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट है, कंसिडर करो इज ही, तो मैं इज ही को पकड़ूंगा और इसकी सहायता से मैं कितने सारे सेंटेंसेस बना सकता हूं, यह आप देख सकते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो मैं कितने सारे सेंटेंसेस बना सकता हूं। मैं इस सब्जेक्ट को कंसिडर करता हूं और इस सब्जेक्ट की सहायता से मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूं, इज ही लिविंग, क्या वह रह रहा है, क्या उसकी रहने की क्रिया चल रही है। और मैं सीधा नीचे नीचे आऊंगा और मैं इतने सारे सेंटेंसेस बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इज ही लिविंग, क्या वो रह रहा है, इज ही गेटिंग अप, क्या वो उठ रहा है, इज ही ब्रशिंग, क्या वो घिस रहा है, इज ही बेथिंग, क्या वो स्नान कर रहा है, इज ही ड्रिंकिंग, क्या वो पी रहा है, इज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है, इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। आप ऐसे जेस्चर्स भी कर सकते हो, इज ही रिटर्निंग, क्या वो वापस आ रहा है, इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है, इज ही वॉचिंग, क्या वो देख रहा है, इज ही लिसनिंग, क्या वो सुन रहा है। हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए थर्ड पर्सन वाला यह क्वेश्चन है, लेकिन यह वर्बल क्वेश्चन है, इसके आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इज ही डांसिंग, क्या वो नाच रहा है, इज ही हेल्पिंग, क्या वो मदद कर रहा है, इज ही रिस्पेक्टिंग, क्या वो आदर कर रहा है, इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है, इज ही एडमायरिंग, क्या वो खुशामद कर रहा है, इज ही एडवाइजिंग, क्या वो सलाह दे रहा है, इज ही अलाउइंग, क्या वो अनुमति दे रहा है, इज ही आस्किंग, क्या वो पूछ रहा है। सेकंड कॉलम में मैं जब आऊंगा तो मैं इसी सब्जेक्ट को मैं कंसिडर करने वाला हूं और जब मैं इस सब्जेक्ट को कंसिडर करूंगा तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, आप वो देख सकते हो। इज ही अरेंजिंग, क्या वो व्यवस्था कर रहा है, इज ही अरेस्टिंग, क्या वो गिरफ्तार कर रहा है, इज ही अराइविंग, क्या वो आ रहा है, इज ही अटैकिंग, क्या वो हमला कर रहा है, इज ही ब्लेसिंग, क्या वो आशीर्वाद दे रहा है, इज ही ब्रेकिंग, क्या वो मोड़ रहा है, इज ही बिल्डिंग, क्या वो बना रहा है या बांध रहा है, इज ही बाइंग, क्या वो खरीद रहा है, इज ही बिगिनिंग, क्या वो शुरुआत कर रहा है, इज ही ब्रिंगिंग, क्या वो ला रहा है, इज ही बर्निंग, क्या वो जला रहा है, इज ही ब्लेमिंग, क्या वो दोष दे रहा है, इज ही कटिंग, क्या वो काट रहा है, इज ही कॉलिंग, क्या वो बुला रहा है, इज ही कॉलिंग में, क्या वो मुझे बुला रहा है, इसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा सोचना भी है ऐसे क्वेश्चंस हम कब बना सकते हैं। देन आफ्टर, इज ही चेसिंग, क्या वो पीछा कर रहा है, इज ही चेकिंग, क्या वो चेक कर रहा है, क्या वो जांच रहा है, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, इज ही कुकिंग, क्या वो खाना बना रहा है, इज ही क्लीनिंग, क्या वो
साफ कर रहा है? इज ही कैचिंग, क्या वो पकड़ रहा है? इज ही कलेक्टिंग, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। इज ही कलेक्टिंग, क्या वो इकट्ठा कर रहा है? इज ही कर्सिंग, क्या वो गाली दे रहा है? इज ही डूइंग, क्या वो कर रहा है? इज ही डिगिंग, क्या वो खोद रहा है? इज ही डिसाइडिंग, क्या वो तैर कर रहा है? इज ही ड्राइविंग, क्या वो चला रहा है? इज ही ड्रॉइंग, क्या वो निकाल रहा है? अभी आप ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हो, इज ही ड्रॉइंग अ पिक्चर, लेकिन आपको वो नेक्स्ट स्टेप में देखना है। इज ही ड्रॉइंग, इज ही डोनेटिंग, क्या वो निकाल रहा है? इज ही डांसिंग, क्या वो नाच रहा है? इज ही ड्राइंग, क्या वो सुखा रहा है? इज ही फॉलोइंग, क्या वो पीछा कर रहा है? इज ही फेलिंग, क्या वो नाकामयाब हो रहा है? इज ही फाइंडिंग, क्या वो खोज रहा है? इज ही फॉलिंग, क्या वो गिर रहा है? इज ही फोर्सिंग, क्या वो दबाव डाल रहा है? इज ही फिनिशिंग, क्या वो खत्म कर रहा है? इज ही फ्लाइंग, क्या वो उड़ रहा है? इज ही फाइटिंग, क्या वो लड़ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों आपको इस कॉलम में आना है और इस कॉलम में आना है। पेज नंबर 91 के ऊपर मैंने आपको ऐसी प्रैक्टिस दी है। इसके बाद आपकी यह प्रैक्टिस खत्म नहीं होती है। आपको क्या करना है, सिंपल एक टेक्निक यूज करना है। मुझे पता है ऐसी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आप घर पे हो तो आपको 10-15 मिनट में ऐसे कॉलम एक्टिविटीज करनी है, और ऐसी एक्टिविटीज आपको शुरू में करनी है, और यह आपके बेसिक कंस्ट्रक्शन से। तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा, सिंपल है। मेरे हाथ में किताब है, मैं जोर जोर से पढ़ूंगा। एक बार मैंने अंग्रेजी में और एक बार मैंने हिंदी में पढ़ा है, तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा? इजी लिविंग, इजी गेटिंग अप, इजी ब्रशिंग, इजी बेथिंग, इजी ड्रिंकिंग, इजी रीडिंग, इजी गोइंग, इजी रिटर्निंग, इजी स्टडिंग, इजी प्लेइंग, इजी वॉचिंग, इजी लिस्निंग, इजी हेल्पिंग, इजी डांसिंग, इजी रिस्पेक्टिंग, इजी स्लीपिंग, इजी एडमायरिंग, इजी एडवाइजिंग, इजी अलाउइंग, इजी आस्किंग, इजी अरेंजिंग, इजी अरेस्टिंग, इजी अराइविंग, इजी अटैकिंग, इजी ब्लेसिंग, इजी ब्रेकिंग, इजी बिल्डिंग, इजी बाइंग, इजी बिगिनिंग, इजी ब्रिंगिंग, इजी बर्निंग, इजी ब्लेमिंग, इजी कटिंग, इजी कॉलिंग, इजी चेसिंग, इजी चेकिंग, इजी कमिंग, इजी कुकिंग, इजी क्लीनिंग, इजी कैचिंग। तो ऐसी भी प्रैक्टिस मुझे करनी है। मेरे जैसा आपको शॉर्टकट नहीं मारना है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप सोचोगे हाँ हमारी प्रैक्टिस तो हो गई है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते, एक बार जोर से पढ़ के तो देखो, देखो कितना आपको फायदा मिल सकता है। अगर मुझे इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, आर दे, तो मैं आपको शॉर्टकट में प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा, क्योंकि ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस मैंने खुद की है। हमारे क्लास के स्टूडेंट्स भी ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। आर दे लिविंग, क्या वो रह रहे हैं? देखो मुझे पता नहीं है, वहां पे दो लड़के हैं, क्या वे रह रहे हैं? आर दे लिविंग, आर दे गेटिंग अप, क्या वे उठ रहे हैं? आर दे टेकिंग अ बाथ और आर दे बेथिंग, क्या वो स्नान कर रहे हैं? मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस बना सकता हूं। तो आर दे की आपको प्रैक्टिस करनी है। एक 5-10 मिनट में आपको जोर से पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ के तो देखो। कई बार ऐसा होता है हमारे क्लास में, जब हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनने की आदत लगती है, लेकिन यह पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और यह टेक्निक से, स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से अगर आप कॉलम की प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ्लुएंसी आ सकती है, और यह बेसिक कंस्ट्रक्शन से। तो आर दे की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मुझे झट से बोलना है, क्या वे लड़के झगड़ा कर रहे हैं? आर दे क्वारलिंग, क्या वे जा रहे हैं? आर दे गोइंग, तो मैं तुरंत कैसे बोल सकता हूं? तो मैंने प्रैक्टिस की है, और यह प्रैक्टिसेस आपको एक बार नहीं करनी, कम से कम 2-3 बार करनी है। जब आप नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे, फिर भी आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी ही है। तो सिंपल टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना है। आर दे से प्रैक्टिस हो गई, मुझे ऐसा लगेगा हाँ मेरी प्रैक्टिस हो गई, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। आर यू की करो, एम आई की करो, और जब आपको लगता है यहाँ पे इस की करनी है तो करो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू, दे, ही, आई, तो यह सब्जेक्ट्स लेके आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इट की प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जैसे इज राम गोइंग, इज राम कमिंग, इज राम डांसिंग, इज राम हेल्पिंग, एक बार करके तो देखो, क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है और ऐसे टेक्निक्स हमें यूज करने पड़ते हैं। तो जब आप यह प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही पता होना चाहिए कि हम डिफरेंट वर्ब्स ले रहे हैं और सब्जेक्ट एक ही है, और आपको दो टेक्निक की सहायता से प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आपको ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से प्रैक्टिस करनी है, देन आफ्टर आपको सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। ये तो सिंपल है, सिर्फ अंग्रेजी में बोलना है। अगर आप सिर्फ अंग्रेजी में बोलोगे तो फर्क क्या पड़ेगा कि मातृभाषा में, इट मींस मदर लैंग्वेज में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्लियर नहीं हो सकते। सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है, क्या वो जा रहा है, इजी गोइंग, क्या वो लड़की देख रही है, इज शी लुकिंग, तो मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ वर्ब्स लेके मैंने प्रैक्टिस की है, और यह आपको आदत लगती है, इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते इज शी लुक, इज शी गो, इज शी डांस। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है, वो शुरू में ऐसा बोलते हैं, इज शी गो, इज शी डांस, आर दे कम,
आर दे हेल्प, तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं आर दे हेल्प, तो ऐसा ही बोल सकते हैं आर दे हेल्पिंग। कितना सिंपल है और इस प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स मुझे पता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इंप्रूव नहीं हो सकते हो, क्योंकि यह हमारी ABCD है और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। आगे क्या है, आगे सर ने क्या दिया है, नहीं नहीं सर कुछ मजा नहीं आ रहा है, नहीं नहीं सर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, हमें तुरंत बोलना सीखना है, ऐसी कोई ट्रिक्स बताओ, ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है। आपको रीडिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो पैटर्न आपके पास दिया है उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आगे जाके आपको कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, आगे जाके आपको कंजंक्शंस पढ़ने हैं, आगे जाके आपको इसका WH क्वेश्चन बनाना है। ए व्हाई इज ही लुकिंग एट यू, व्हाई इज शी रनिंग, व्हाई इज शी गोइंग, व्हाई आर दे प्लेइंग, विथ हुम आर दे प्लेइंग, तो यह कंस्ट्रक्शंस आप कैसे कर सकते हो। जब आप इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कॉलम की भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और इसे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स पेज नंबर चेंज हो सकता है, तो आपको कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस देखना है और आपको एक सिस पेंसिल लेनी है। सिस पेंसिल से आपको क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट दिए है तो आपको वहां पे बदलाव करना है और खुद ही आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है।